नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। बांदा में चुनाव आचार संहिता पर डीएम और एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। जनपद के सभी मतदाताओं से अपील की गई कि निर्भीक होकर मतदान करें। भारत निर्वाचन आयोग की जारी लिस्ट में जनपद बांदा में पांचवी फेज पर चुनाव किया जाएगा। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि 20 मई को मतदान होंगे। 13,28,000 मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर पहले से ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है एवं सोशल मीडिया और भ्रामक खबरों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बांदा के जिला कलेक्ट्रेट में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निर्देश जारी किए। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आप जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। उसी के क्रम में जनपद बांदा में चुनाव पांचवी फेज में होगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को जारी होगा, 20 मई को हमारे यहाँ मतदान होगा और 4 जून को पूरे देश की भांति हमारे यहाँ काउंट होगा। हमारे यहाँ जैसा कि आप जानते हैं, जो मंडी है वही हमारा केंद्र बनेगा। वहीं से ईवीएम से डिस्पैच होंगी, वहीं पे रिसीव होंगी और वहीं पे स्ट्रॉन्ग रूम्स बनेंगे उनको स्टोर करने के लिए। और काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया भी हर चुनावी वर्ष की भांति मंडी में ही होगी।